वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दो सगे भाइयों पर चार बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल दोनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के चंद्रवदनी नाका के रहने वाले मुकेश राणा के छोटे भाई धर्मेंद्र राणा का किशन पारदी से रास्ते में निकलने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने दोनों भाइयों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल दोनों भाइयों को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस ने मुकेश राणा की शिकायत पर आरोपियों पर मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दिया है। सुबह की बात है, सुबह हम लोग मंदिर गए थे, तो मैं मंदिर से लौट के जस्ट घर आया हूँ, मेरे भाई का फोन आया कि भाई साहब कुछ लड़के मुझे दो तीन दिन से परेशान कर रहे हैं। तो मैंने कि किस कारण से कर रहे हैं, कौन है? पुराना मकान है मेरा उस गली में जहाँ मंदिर है। तो उन्होंने कहा कि आप भाई से घर आए, यहाँ आ जाओ। तो मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूँ। उसने फिर नाम भी बताए, मुझे आदिवासियों के लड़के हैं जो पहले से अपराधी हैं। मैं वहाँ पहुँचा, मेरे एक मित्र भी था, तो वहाँ पहुँच के बाद भैया मेरा वहीं मंदिर पर पूजा कर रहा था, तो बोला कि भाई साहब यही लोग हैं। तो वो लोग आ गए, तो मैंने कहा क्या बात है? कुछ नहीं, बस यही उन्होंने आते ही से भाई हमारा पीटी चालू कर दी। वो लोग लड़ने के विषय में खड़े थे, उन पर हथियार वगैरह थे, तो उन्होंने क्या किया कि मैं हम लोग कम थे, वो लोग ज़्यादा थे, तो उन्होंने क्या है कि मारा पीटी चालू की, तो मेरे क्या सरिया लग गया, भाई गिर पड़ा था, उसके क्या चाकू वाकू मार दिए, तो वो गिरा था, उसको बचाने के चक्कर में मैंने भी उसके ऊपर उगा, तो क्या है कि मेरे पेंट वगैरह सब गीले हुए थे ब्लड से। लेकिन स्थिति ये थी कि वहाँ पर क्या है संख्या ज़्यादा थी, हम लोग दो थे, बीच बचाव की स्थिति नहीं बनी, ब्लड ज़्यादा आ रहा था। क्या मूल कारण क्या रहा? मूल कारण कुछ नहीं है, रंगदारी दिखाना है, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले एक घटना की जिसमें वो अपराधित हैं, 307 का प्रकरण चल रहा है, झांसी रोड थाने से कायमित है, और वो जेल से अभी लौटे हैं, प्लस बॉन्ड भरा है उन्होंने कि हम कोई अपराध नहीं करेंगे, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन इस स्थिति में भी उन्होंने ये उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। झांसी रोड थाने पर फरियादी मुकेश राणा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि गली से निकलने वाली बाघ पर से उनकी चंद्रबंदी नाका के किशन पारदी अन्य चार लोगों ने उनके साथ अश्लील गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की, चाकू से उनको चोट पहुंचाई। उनकी रिपोर्ट से करीब किशन पारदी अन्य चार के विरुद्ध धारा 323, 324, 294, 5634 का अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया।